काम हम चलती है आपकी बात को मान भी ले, लेकिन अगर आपने एफएआर का वादा कर दिया और इन्होंने कर दिया तो फिर 30,000 रुपए क्यों आपने दिया होगा? 30,000 रुपए क्यों दिया आपने? मेरा वही कहना है लॉर्डशिप की एफएआर इन्होंने जो दिया वो पैसा लेके दिया, अगर पैसे लेके दिया तो ये क्या कर रहे थे? पैसा वापस करवाएंगे? ये जो बता रहे हैं जिस प्रकार से कि हमने फ्री में दिया है, अगर अगर आप एफएआर अप कराओगे तो आज तो जमीन का रेट आज के रेट में एफएआर का रेट क्या होगा? अगर आप उसको रेट एरिया बढ़ा रहे हो, फ्लोर एरिया को बढ़ा रहे हो, तो आज का रेट लगेगा, उस दिन का रेट क्यों लगेगा फिर? मतलब 13 में एफएआर हुआ है, 13 में 13 का एफएआर है, एफएआर है 13 में, 13 का 13 में अगर आप रूटीन में कर रहे हो मान लीजिए जी, तो अगर मान लीजिए आपने नियम ये इसके इनके प्रॉमिस के आधार पर किया है, तो प्रॉमिस के आधार पर अगर किया तो 30,000 रुपए आपको वापस होगा, ठीक है। और अगर आपने कमर्शियल करवाया जी, नहीं यदि प्रॉमिस के हिसाब किया तो 30,000 रुपए क्यों लगेगा? पहली प्रश्न तो ये, हाँ, उसके लिए फिर इंटेंटलमेंट हम वापस करवाएंगे आपको पैसा, उत्तर मिलेगा आपको। हाँ, क्योंकि इसमें खुद लिखा है कि इनके द्वारा रसीद क्रमांक इतने के द्वारा 34,740 रुपए जमा किए गए। किस पद में? हमारे ये है कि इन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारा जो एरिया घर को तोड़ के जो लिया इन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट की, उसके लिए इन्होंने हमको कोई मुआवजा नहीं दिया। देना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे लोगे? मैं रिस्पेक्टफुल, यस आई एम अपीयरिंग फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉर्डशिप। यस, ये जो इनकी जमीन थी सर, इट वॉज अ नजूर लैंड, नजूर लैंड, नजूर लैंड पट्टा मिला था हमको, पट्टा मिला ना जी, पट्टा मिला, तो ही इज पेइंग द रेंट जी, और लीज डीड तो भी कैंसिल नहीं हुई है। नहीं, 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 तो मैं वही बता सर। यस, नजूर लैंड मिला था सर, तो उसमें इनके जो एरिया जो सामने घर के आदमी थे, तो देयर वॉज अ सम एजिटेशन कि हमारे यहाँ रोड छोटा है, तो 80 फीट रोड प्रपोज किया था। हाँ, तो इन्होंने सर एक रिलिंक्विशमेंट जो डीड एक की है सर, एज पर द भूमि विकास रूल्स 1984, इसमें ये बोले कि रोड का चौड़ीकरण 40 फीट यदि रहेगा तो हम बिना मुआवजा के ये देने के लिए तैयार है, एंड दे हैव ओनली गिवन 8.6 × 25 square feet, दैट इज टोटल इज 225 square feet दे हैव गिवन इट। देयर इज आई फाइल माय रिटन दिस एनेक्सर R31 जिसमें भूमि विकास रूल्स के रूल 61 में बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति ओनर है पर्टिकुलर लैंड का, एंड इफ ही एग्रीज टू गिव टू द अथॉरिटी दैट विदाउट रिसीविंग कंपनसेशन आई एम रेडी टू रिलिंक्विश माय पार्ट ऑफ द लैंड, देन फ्लोर एरिया रेशियो डबल देंगे। फ्लोर एरिया रेशियो डबल दे दिए और उन्होंने कंस्ट्रक्ट भी कर लिया, एंड नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर, ये बात है सर 2013 का, अब 18 में पिटीशन लगा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सेइंग दैट कि अब मैंने जो कंसेंट दिया है वो गलत है। एट द ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ देयर फादर दे नेवर रेज्ड एन इशू। डेट भीमसेन अग्रवाल ये ही पहली वाइफ है सर और दूसरा उसके बच्चे, तो उन्होंने कहीं भी उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया सर कि हमको, एंड देयर वाज अ डायरेक्शन बाय द कोर्ट टू डिसाइड देयर रिप्रेजेंटेशन। वी हैव डिसाइडेड हिज रिप्रेजेंटेशन सेइंग दैट कि आपने खुद, मैं लॉशिप में सी एनेक्सर R31 A6, दिस इज कंफर्मेंस विद रूल 61 ऑफ द भूमि विकास रूल्स लॉर्डशिप, इसमें ये लिखा है सर, लॉर्डशिप इज हैविंग पेज 6 लॉर्डशिप। यस जी, प्रारूप बगल में नियम एक देखिए, भूमि के तेजन की सूचना, और उसमें इन्होंने 127/2 और 127/3 में से 8.6 × 25 स्वामी हक पट्टा, और ये भीमसेन है राइट साइड में उसके कॉलम है उस व्यक्ति का, भीमसेन इनके सर, ये नंबर वन के वाइफ उनके वाइफ है और दूसरे बच्चे हैं, और ये सर इन्होंने 2013 में किया है सर, और ये पिटीशन लगाए हैं सर 2018 में, मतलब उनके कार्यकाल में उनको तो वो डिस्प्यूट नहीं था सर। और ये इसके बाद सर उन्होंने लिखा हुआ है सर, टिप में देखेंगे सर, सारणी में टिप नंबर वन उसी का है सर, वो जो पेज 6 में है सर, उस दशा में जहां भूखंड का स्वामी अपने भूखंड का कोई भाग किसी सार्वजनिक सड़क की विहित सड़क की चौड़ाई के लिए किसी प्रतिकार का दावा किए बिना अधिकारी को सौंप देता है, तो उसमें निहित कर देता है वहां उसके सौंपे गए क्षेत्र के भीतर दुगने क्षेत्र। यार रिटर्न कब आया मिस्टर अग्रवाल? रिटर्न हमारे पास दिख नहीं रहा। रिटर्न सर ये फाइल हुआ है सर 15/12/2018 में, 15/12 दिस आई एम हैविंग रिसीविंग। यस स्टेट, यस यस जी, बेसिक सर उसका, यस बेसिक R31 लॉशिप, उसमें प्रारूप बगल में नियम वन भूमि के तेजन की सूचना, और वो जो कॉलम बना है सर, इसमें 127/2 127 8.6 × 25, और स्वामी हित पक्का भीमसेन अग्रवाल, मैं लॉशिप में काइंडली नोट इट लॉशिप, ये इनके फादर है और इनकी वाइफ है जो लगाए, और उसमें टिप वन में लिखे हैं सर, इसमें
दिस इज वॉट एग्जैक्टली हैज बीन नोटेड इन द भूमि विकास रूल 61। और इसके बाद सर ऐसा नहीं है, इसके बाद ये 15/5 को इन्होंने वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का डबल FAR का ले लिए है और उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कर लिए सर। एंड नाउ वंस टेकिंग बेनिफिट ओनली व्हाट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज द सब्जेक्ट टू लॉर्डशिप जुडिशियल स्क्रूटनी। पहला तो उन्होंने रिलिंक्विशमेंट एज पर भूमि विकास रूल्स 84 का ले लिया और दूसरा उसी को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने हमारे से बिल्डिंग FAR रेशियो भी ले लिया है। अब नाउ डायरेक्टली 2013 का है लॉर्डशिप में सी दिस बिल्डिंग परमिशन ऑन 15/5/13। अब 13 के बाद 18 में अचानक बोल रहे हैं कि हमको पैसा दीजिए सर। अब ये बताओ जी जो रेगुलेशन की उसके आवेदन की कॉपी का है लगाया क्या? पहले ये मैं ये कह रहे हैं कि भीमसेन अग्रवाल की डेथ होने के बाद फिर लेने के बाद इनके द्वारा किया गया। मतलब T4 पेज नंबर 15 देख लें, भीमसेन अग्रवाल ने अपने लाइफ टाइम में ऑब्जेक्शन किया था कि अगर आपको करना है तो आप लैंड एक्वायर करके करिए। नहीं तो आपने जो वो कराया FAR कराया उसका डॉक्यूमेंट फाइल करो ना, आपने क्या आवेदन पेश किया था? मतलब मैं पेश कर लो, अभी तो चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर आप कह रहे हो कि ₹30,000 काय के लिए दिया आपने, क्योंकि उसमें देखेंगे लॉर्डशिप अगर आपकी ₹30,000 का बकायदा रसीद नंबर भी इन्होंने लिख के दिया है। वो FAR अगर फ्री में तो नहीं तो ₹30,000 वापस कराएंगे हम, अगर फ्री में करना होता तो फ्री में करें, फिर क्यों FAR भी लोगे आप? क्योंकि इनने कहा कि अगर एक तो ये कह रहे हैं इनका जो कहना है कि हमने इनको FAR देने का वो किया इसलिए इन्होंने अपनी कंसेंट दे दी कि आप जमीन ले लीजिए, पर जो हमको FAR हमने लिया हमने तो बकायदा उसके लिए पैसा देके हमने FAR अपने बढ़वाया, तो वही तो पैसा आप दियो उस पैसा में ये लिख भी रहे कि फंड में दियो। एक काम कीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनकी जो फाइल होगी ना पूरा रिकॉर्ड पेश कीजिए, तो अगर ये इनके FAR की भी जो प्रोसीडिंग हुई होगी वो तो प्रोसीडिंग हुई होगी उसमें समझ में आएगा कि आवेदन दिया है। हाँ अगर आवेदन दिया है तो फिर तो ये तो नियमितीकरण हुआ, तो आपने तो कुछ दिया नहीं है अगर ये माना जाएगा, क्लियर हो जाएगा पिक्चर। यही पर्सन आए हैं एंड एवरी पर्सन दे हैव रोड से चौड़ीकरण से गुजरे एंड नॉट अ सिंगल अमाउंट दे हैव टेकन। तो वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो क्या आप? घर था वो एक्चुअली, नहीं घर के नीचे कोई शॉप वगैरह? शॉप वगैरह वो कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ हुई होगी कोई शॉप, जब वो मैं पूछ लूंगा कि वहाँ पे घर है कि शॉप है कि नहीं है। जमीन का रेट बढ़ गया तो लेकिन ये जो कह रहे हैं कि आपत्ति नहीं उठाई हुई वो भीमसेन अग्रवाल ने उठाई आपत्ति, हम आपकी बात को मान भी लें लेकिन अगर आपने FAR का वादा कर दिया और इन्होंने कर दिया तो फिर ₹30,000 क्यों आपने दिया होगा? ₹30,000 क्यों दिया आपने? मेरा वही कहना है लॉर्डशिप की FAR इन्होंने जो दिया वो पैसा लेके दिया, अगर पैसे लेके लिया तो ये क्या कर रहे थे? पैसा वापस करवाएंगे? ये जो बता रहे हैं जिस प्रकार से कि हमने फ्री में दिया है, अगर अगर आप FAR अब कराओगे तो आज तो जमीन का रेट आज के रेट में FAR का रेट क्या, अगर आप उसको रेट एरिया बढ़ा रहे हो फ्लोर एरिया को बढ़ा रहे हो तो आज का रेट लगेगा, उस दिन का रेट क्यों लगेगा फिर? मतलब 13 में FAR हुआ है, 13 नहीं 13 में 13 का FAR है, FAR है 13 में, 13 का 13 में अगर आप रूटीन में कर रहे हो मान लीजिए जी, तो अगर मान लीजिए आपने नियम ये इसके इनके प्रॉमिस के आधार पर किया है तो प्रॉमिस के आधार पर अगर किया तो ये ₹30,000 आपको वापस होगा, ठीक है? और अगर आपने कमर्शियल करवाया जी नहीं, यदि प्रॉमिस के साथ किया दिया ₹30,000 क्यों लगेगा, पहली प्रश्न तो ये। हाँ, उसके लिए फिर इंटाइटलमेंट हम वापस करवाएंगे आपको पैसा, उत्तम मिलेगा आपको। हाँ, क्योंकि इसमें खुद लिखा है कि इनके द्वारा रसीद क्रमांक इतने के द्वारा ₹34,740 जमा किए गए। किस पद में ये इनका देखेंगे? मलमा मटेरियल शुल्क का ₹2,000, विकास के लिए विकास शुल्क का ₹10,000। आपने जो कह रहे भाई जो कह रहे वो तो आपने समझ में आ गया, रिकॉर्ड एक मिनट हमको भी अभी हमने कंस्ट्रक्शन कराया घर का, हमको मालूम है। ये तो आपको जब नक्शा पास करवाया हो ना उसका पैसा लगा? नहीं, नहीं, उसके बात अरे नहीं ना भाई, बात कर अरे नहीं ना भाई, मलबा शुल्क उसी में लगता है, अरे मलबा शुल्क लगता है और आपके जो सिक्योरिटी वाला रहता जो इन्हें तोड़ा उसको। ना 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 ये तोड़ते नहीं, तोड़ते आप हो जो मलबा उठाने वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, वाटर हार्वेस्टिंग का भी यह लगता है। और अब तो क्या आपका गलत है इसका FAR का रिकॉर्ड बुला ले? नहीं नहीं कुछ नहीं, पिक्चर क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया। किसी के वहाँ के वो लोगों को पैसा नहीं चाहिए सर, सब जने रह रहे हैं और इनके खुद एप्लीकेशन पे रोड चौड़ीकरण हुआ है, 80 फीट बोले थे 40 किए हैं सर। आप ये बताओ FAR तो तभी मतलब मलबा शुल्क वगैरह तो जब आप कंस्ट्रक्शन कराते हो ना, नक्शा पास करवाते हो, रेन हार्वेस्टिंग लगता है। अरे ये लॉर्डशिप पहले से बना हुआ है। अरे नहीं भाई, उसको रिमॉडल कराए हमने, मिस्टर कंसेंट के बाद आस्क योर क्लाइंट वेदर ही आफ्टर डिमोलिशन ही हैज कंस्ट्रक्शन द हाउस और नॉट, खत्म बात। नया नक्शा तभी तो बनवाया है वो FAR, नया नक्शा बना के उसने करवाया है, उसका पैसा है वो।